एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिक्षक तो वो होते हैं जो अपने शिष्यों को क्षमा करना जानते हो। वैसे सरस्वती देवी ने तो मेहर को क्षमा कर दिया। सरबजीत, तुम कब करोगे? माँ बेटे की क्यूट सी जोड़ी। परम करे अपनी माँ मेहर की कॉपी। ये देख सरबजीत हो गए हैप्पी हैप्पी। जिस परम को बाल धोना पसंद नहीं था, आज वही परम मेहर के साथ बाल धोकर सिखाने के लिए खड़ा है और अपनी नई माँ मेहर की कॉपी कर रहा है। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं सरबजीत और माँ बेटे की इस प्यारी सी केमिस्ट्री देख हो जाते हैं इमोशनल। परम ने जैसे ही बाल सुखाए, मेहर ने उसे गोद में उठा लिया और फिर प्यार से टेबल पर बिठाकर उसके सिर पर तेल मालिश करने लगी। अपनी आंखों के आगे परम को खुश देख सरबजीत का दिल भी हैप्पी हैप्पी हो गया, लेकिन उसे डर है कि ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली, इसीलिए वो अंदर से परेशान भी हो जाता है। नहीं, वो गलतफहमी हो गई आपको, छुप छुप के नहीं देख रहा था मैं। दरअसल परम को ढूंढने आया था। एक हमारा रेन का सीक्वेंस हुआ है जिसमें बारिश में हम लोग भीग जाते हैं, तो मैं देखने आया था कि परम कहाँ पर है। और सडनली मुझे दिखता है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। वो परम भी सेम चीज़ें कर रहा है जो मेहर कर रही है। वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये मेहर की तरफ और ज़्यादा अटैच्ड हो रहा है परम, जो अच्छा नहीं है। बिकॉज मेहर हमारे घर में कुछ देर के लिए, जो हमारी बात हुई थी आपस में, तो अब वो चली जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, तो इसलिए आई वाज जस्ट अ लिटिल टेंस। डोंट वरी सरबजीत, हमें यकीन है कि परम का प्यार मेहर को आपकी जिंदगी से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि परम ही बनेगा आप दोनों के रिश्ते की डोर। प्रियांशु झा, मुंबई, आज तक।